उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के कस्बा कोतवाली मौदहा क्षेत्र का है मामला, जहां शराबी पिता ने बेटी की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की वारदात से इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या बताया तुमको, क्या 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 लेवा गया? लेवा गया कि मेरी बिटिया को किसी ने मार दिया। अच्छा 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 अच्छा, ये पिता की कहानी है। हाँ, पिता क्या नाम था इनके? क्या नाम? घटना कितने बजे के आसपास की है? 4 बजे की है। भैया क्या नाम है आपका? अजय। क्या हुआ है? चलो बेटा, कहे भीड़ लगाए हो तुम लोग यार। मैं अपने दरवाजे खड़ा था, मुझे ये पता नहीं है कि कब घटना की है, क्या नहीं किया है। मैं अपने खड़ा था तो वहाँ जो है गया तो कहने लगा कि मेरी बेटी अब किसी ने मार दिया है। चलो भैया देखो जरा किसने मार दिया है। तो माना मैंने ये नहीं देखा, मैंने तो ये देखा कि खून में लथपथ पड़ी है। रिवॉल्वर और चाकू भी लिए था? हाँ लिए था। हाँ, क्या नाम था उसका? भले। कितने टाइम की घटना? 4 बजे। यार बताओ भाई, आगे कहाँ बांध के डाला था? आपको बांध के कहाँ डाला था? मुझे घर के अंदर जो डाल दिया, इसी घर के अंदर। हाँ, उसको ले वहीं आपने देखा होगा कि लड़की पड़ी है। हाँ मैंने देखा, खून में लथपथ है। मुझको बांध के डाल दिया, मैं छूट के भागा वहाँ। क्या था उसके हाथ में? और उसके हाथ में रिवाल्वर था और चाकू लिए था। उसी चाकू से हत्या की है?